तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है 40 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 60 मिलीमीटर ऊंचाई वाला एक वर्गाकार पिरामिड एचपी पर इस प्रकार खड़ा है कि उसकी एक आधार भुजा वीपी के समानांतर रहती है। इसे एचपी के साथ 45 डिग्री पर झुके हुए कटिंग प्लेन द्वारा काटा जाता है। यह पिरामिड की अक्ष की मध्य बिंदु से गुजरता है। शेष बचे पिरामिड की पार्श्व सतहों का परिवर्धन या विस्तार खींचिए तथा कटे हुए भाग का वास्तविक आकार भी बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे। सबसे पहले 2H पेंसिल से एक रेफरेंस लाइन X और Y खींची। ठीक है, इसके बाद ये हमारा VP होता है, ये जो हमारा है ये VP होता है और ये नीचे का जो है AHP होता है। ठीक है, तो अब यहां से VP के समानांतर एक 40 मिलीमीटर, 1 2 3 4, ये हमने एक 40 मिलीमीटर लंबी रेखा खींची। ठीक है, ये 40 मिलीमीटर की। ठीक है, अब इसी के 90 डिग्री पर 40 मिलीमीटर की एक रेखा यहाँ और इससे 90 डिग्री पर 40 मिलीमीटर की एक रेखा नीचे खींची और हमारा इस प्रकार ये वर्ग बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब इनके, चूंकि ये हमारा पिरामिड है इसीलिए इनके इन पॉइंटों को हम अभी नॉर्मली 2H पेंसिल से मिला देंगे। ठीक है, इसको नॉर्मली 2H पेंसिल से मिला दिया। अब जहाँ पे इसका ये सेंटर पॉइंट प्राप्त हुआ हमारा O, इस O से एक्सिस पर हमको 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर यानी कि 60 मिलीमीटर की एक सेंटर लाइन खींचना है 60 मिलीमीटर हाइट तक। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इन पॉइंटों को हमको इस पे लाइन पे प्रोजेक्ट करना है, तो इन्हें हमने लाइन पर प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इनको हम इससे मिलाएंगे। ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा टॉप और फ्रंट व्यू बनके तैयार हो गया। ठीक है, इसका हम नेमिंग थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि देखने में फिर वो नेमिंग कट जाता है, इसीलिए अब चूंकि अक्ष के हमको 30 क्योंकि अक्ष हमारा 60 मिलीमीटर का है टोटल, तो इसके हमको मिड पॉइंट यानी कि हमको 30 पर मध्य बिंदु पर एक हमको कटिंग प्लेन डालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको जो कटिंग प्लेन है उसका कोण हमारा 45 है, तो इससे हम एक 45 का ऐसे प्रोटेक्टर की मदद से 45 का, ये रहा हमारा 40, ये रहा हमारा 45। ठीक है, तो इससे हम एक ऐसे करके कटिंग प्लेन लाइन यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कटिंग प्लेन, क्योंकि कटिंग प्लेन हमारा एजेस पर थोड़ा डार्क रहता है तो हम इसको एज पर डार्क कर देंगे। अब ये हमारा कटिंग प्लेन लाइन हो गया, अब इसका हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको हम दे देंगे A-, इसको B-, और ये हमारा पीछे C- आ जाएगा ब्रैकेट में, और ये हमारा पीछे D- आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, ये हमारा O है, तो ये हमारा O- प्राप्त हो गया। इसके बाद चूंकि ये वर्ग पिरामिड हमारा ऐसे रखा हुआ है इसीलिए इसकी ये ट्रू लेंथ यहाँ हमको नहीं दिखेगी। इसकी ट्रू लेंथ दिखाने के लिए हमको ये हमारा इसके समानांतर एक हम लाइन खींचेंगे। ठीक है,
और ये जो कोई भी पॉइंट है इस पॉइंट से या इस पॉइंट से हम एक ऐसे कर्व लगाएंगे, ठीक है। इसका चाप यहाँ जो पॉइंट आएगा उसको हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मान लो इसका नाम हमने ई दे दिया तो इसको हम ई डैश दे देंगे, ठीक है। अब इस वाले इस पॉइंट को हम ओ डैश से मिला देंगे, इसको ओ डैश से मिला दिया तो ये हमारी ट्रू लेंथ प्राप्त होगी, ठीक है। चूँकि कटिंग प्लेन ने इसको यहाँ पर कट किया है तो हम इसको इस रेफरेंस लाइन के समानांतर इस लाइन तक मिला देंगे, ठीक है। तो हमने इसको इसके समानांतर मिला दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें कटिंग प्लेन को नाम देंगे, इसको वन दे दिया, इसको वन डैश, इसको टू डैश, इसके पीछे थ्री डैश ब्रैकेट में, इसके पीछे फोर डैश ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको हम इसका हमको विस्तार, ये जो हमारा कटिंग प्लेन चला है ये हमारा रिमूविंग पार्ट है, ये हमारा रिमेनिंग पार्ट है, तो इस रिमेनिंग पार्ट को हम डार्क कर देंगे, इसको हमने डार्क कर दिया, ठीक है। ये हमारा डार्क हो गया, अब हम इसको भी डार्क करेंगे HB पेंसिल से, इसको हमने डार्क कर दिया, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा जो कटिंग पॉइंट आए हैं इनको हम नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इनको हम इन लाइनों तक प्रोजेक्ट करेंगे, इसको और इसको, इसको हमने नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये जहाँ इन लाइनों पर कट करेंगे ये हमको जो चार पॉइंट प्राप्त हुए हैं इन पॉइंटों को हम मिला देंगे HB पेंसिल से डार्क, ठीक है। इसको हमने डार्क मिला दिया, ठीक है। अब इसका हम इसको हम हैचिंग कर देंगे, क्योंकि ये हमारा कटा हुआ भाग है इसलिए इसका हमने हैचिंग कर दिया, ठीक है। तो इसका हमने हैचिंग कर दिया, अब इसका नेमिंग भी कर दें, इसको भी ये वन है तो वन यहाँ आ जाएगा, ये टू डैश है तो ये टू यहाँ आ जाएगा, थ्री डैश है तो ये थ्री यहाँ आ जाएगा, फोर है तो ये फोर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया, ये हमारा सेक्शनल टॉप व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। अब इसका हमको इसका विस्तार खींचना है, ये जो हमारा कटा हुआ है, ये जो हमारा बचा हुआ पार्ट है इसका हमको विस्तार खींचना है, ठीक है। तो इसके लिए इस एक्सिस के समानांतर ओ डैश से हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे, ठीक है। और फिर ये जो हमारी ट्रू लेंथ खींची थी हमने ओ ई डैश, उसके समानांतर एक ऐसे कोई रेखा खींच लेंगे, तो ये हमारा ओ वन डैश प्राप्त हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये रेखा खींच ली, ये ट्रू लेंथ होती है पिरामिड की वास्तविक दूरी, तो इसको मेजर करके प्रकार की मदद से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये पिरामिड है तो इसकी चार साइड हैं, तो इसकी एक साइड की जो दूरी है उसको माप कर एक साइड को, और यहाँ से बराबर बराबर इस पर ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। तो इसको कट कर दिया, ठीक है। अब इसको कट करने के बाद इनको नॉर्मली 2H पेंसिल से यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब इसको मिलाने के बाद ये जो हमारे पॉइंट प्राप्त हुए हैं इनको हम सीधे मिलाएंगे डार्क पेंसिल से, वो सॉरी HB पेंसिल से डार्क कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब इसको मिलाने के बाद हम इनको नाम दे देते हैं, इसको मान लो हम ये पिरामिड जो है हम यहाँ से कट करें, सॉरी यहाँ पे
ये वाली लाइनें भी हम डार्क करेंगे, जो शेष बची हुई लाइन है ये और ये और इसकी ये और ये, क्योंकि ये एजेस कटी नहीं है, मात्र इतना कटा है, तो ये हमारे डार्क देखेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यदि मान लो हम इसको यहाँ से काटें, इसको यहाँ से यदि हम खोलते हैं, तो ये डैश ये पॉइंट हमारा यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसके बाद बी, इसके बाद हमारा सी, इसके बाद डी और इसके बाद ये फिर से ए पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो ओ डैश है, ओ डैश से 1 डैश और 4 डैश तक की दूरी जो ट्रू लेंथ पर है उसको मेजर करके, ठीक है, ओ डैश से जो 1 डैश तक की इतनी दूरी को मेजर करके, अब चूंकि ये कहाँ कौन कौन सी लाइन पे, ओ ए डैश और ओ डी डैश पर कटता है, ठीक है, तो इसको हम ओ ए डैश और ओ डी डैश पर कट करेंगे, क्योंकि ये तो ओ डैश और ओ डैश ही है, इसलिए ओ डी ये है, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट ए लास्ट में यहां भी प्राप्त होगा और यहां भी प्राप्त होगा, तो ओ ए और ओ डी पर नॉर्मली कट किया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमने यहां पे ले गए थे, तो ओ डैश से लेके ट्रू लेंथ पर उसकी दूरी मेजर करके, अब ये कौन सी लाइन पे कटा है, ओ बी और ओ सी, तो इनको ओ बी और ओ सी पर कट किया, ठीक है। अब ये जो हमारे पॉइंट प्राप्त हुए हैं, ये इन सभी को मिला देंगे एच बी पेंसिल से, इन सभी को एच बी पेंसिल से मिला दिया, ठीक है। ये हमारा विस्तार बन के तैयार हो गया, क्योंकि ये पिरामिड है इसलिए इनकी इस ये साइडें भी मिलानी पड़ेंगी, तो इनको इन साइडों को भी हमने मिला दिया, इनको नाम नेमिंग दे दें, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो ये वाला फिर से 1 आ जाएगा, ये हमारा फिर से 1, ठीक है। अब इसको हमने, चूंकि ये हमारा 1 1 पहले 1 2 3 4 पहले से दिया है, तो इनको A11, A21, A31 और A41, A11 इनको नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमको बनाना है इसका ट्रू शेप, तो ट्रू शेप बनाने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ से इस पॉइंट से एक 90 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, ऐसे, और सेम इसी के समानांतर एक रेखा यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ रेखा खींचने के बाद कोई भी एक, यहाँ मान लीजिए हम एक ऑक्सिलरी प्लेन एक्स डैश और वाई डैश मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको ऑक्सिलरी प्लेन है, तो इस रेफरेंस लाइन से 4 तक की दूरी को माप के इस रेफरेंस लाइन से यहाँ कट करेंगे, ठीक है, और इसके बाद इस रेफरेंस लाइन से 1 तक की दूरी को नापने के बाद यहाँ तक कट करेंगे, और इसी प्रकार इस रेफरेंस लाइन से 3 तक की दूरी मापेंगे और यहाँ कट करेंगे, और इसके बाद 3 से 2 तक की दूरी मापेंगे और यहाँ कट करेंगे, और फिर इन चारों पॉइंटों को मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा, इनको हमने मिला दिया, और इसका हम कर देंगे हैचिंग। हैचिंग लाइन कितने पे, नॉर्मली 45 एंगल पे करते हैं, तो ये हमने इसमें हैचिंग लाइन कर दिया, ठीक है। तो इनको हम नेमिंग कर देंगे, ये हमारा आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे नाम दे चुके हैं, यहाँ 1 1 दे चुके हैं, तो यहाँ डबल दे देंगे, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार हो गया, क्योंकि अब इसमें क्या था कि हमको
सेक्शनल टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और इसका कटे हुए भाग का जो शेष बचा हुआ भाग है उसका भी हमको परिवर्धन करना था और इसका हमको वास्तविक आकार भी बनाना था। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे पहले ये वर्गाकार पिरामिड उसको काटने के बाद इसका कटिंग मतलब कटा हुआ टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाया, उसके बाद इसका ये और फिर उसके बाद ये। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।